तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी सऊदी अरब से इंडिया, कतार, कुवैत जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग मैं दूर करने वाला हूँ। क्योंकि आप बहुत सारा वीडियो देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इंडिया से हम सऊदी अरब जा सकते हैं, इतना तारीख को नहीं इतना तारीख को जा सकते हैं, और ये भी कन्फ्यूज है कुवैत कब जा सकते हैं, बहुत सारे आदमी कन्फ्यूज है। तो दोस्तों, ज़्यादा करके मैं आपको डायरेक्ट एयर इंडिया का ऑफिस ने क्या जवाब दिया है आदमी लोग को, वो मैं बताने वाला हूँ। कितना तारीख से टिकट बुकिंग स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा, और कितना तारीख से आप इंडिया से सऊदी, ओमान, कतार, जहाँ भी आप जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ कि डायरेक्ट एयर इंडिया ऑफिस, एयर इंडिया का जो आप ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो ज़्यादा करके रिप्लाई बहुत लोगों को नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट उसके पास आते रहता है तो ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाता है। कुछ आदमी लोगों को दिया है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसने कहा है, एयर इंडिया ने, एक आदमी ने पूछा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आदमी ने पूछा है जो कि कहा है कि सर कुवैत से, इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट कब है। तो यहाँ पे एयर इंडिया ने जवाब दिया है कि प्रिय सर, मैम, हम जल्द ही आपको कुवैत से के लिए उड़ानों के बारे में अपडेट करेंगे। वर्तमान में कुवैत द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कृपया कुछ और समय दीजिए। तो एयर इंडिया ने जवाब उनको दिया है, पूछा है कि कुवैत के लिए फ़्लाइट कब है। तो एयर इंडिया ने कहा है कि अभी प्रतिबंध है, अभी बैन कर दिया है, आप फिलहाल वेट करिए, उस जैसे ही कुछ खबर आएंगे हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो सऊदी अरब के बारे में अगली खबर बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज है। डायरेक्ट एयर इंडिया बहुत सारे लोगों को मैं पहले बता दिया है, कमेंट का रिप्लाई नहीं देता है, कुछ लोग को देता है, लेकिन मैं पूरा डिटेल्स पहले देख लेता हूँ, कमेंट उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। तो भाई, एक एयर इंडिया से एक आदमी ने फिर से पूछा कि सर, विपिन मौर्या करके नाम है, उन्होंने पूछा है कि मुंबई से रियाद के लिए कब से बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर इंडिया ने कुछ जवाब दिया है जिसके पढ़ सकते हैं। प्रिय श्री मौर्या, हम लगातार मांग को पूरा करने के लिए BBM के तहत परिचालन में तेजी ला रहे हैं, कृपया हमारे साथ दें। जैसा कि हम परिचालन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और के लिए हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़े रहिए। तो इसका साफ साफ दोस्तों यही जवाब दिया है एयर इंडिया ने कि अभी फ़िलहाल आप सऊदी अरब का टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे ही कुछ टिकट बुकिंग का स्टार्टिंग करेंगे एयर इंडिया ऑफिस, क्योंकि आप आओगे तो एयर इंडिया का ऑफिस से ही टिकट लेना होगा, ठीक है ना। अगर एयर बबल्स के थ्रू भी फ्लाइट शुरू होता है तो एयर इंडिया का ऑफिस से आप टिकट खरीद के आओगे। तो एयर इंडिया ने डायरेक्ट जवाब दिया है कि अभी फ़िलहाल कोई फ़्लाइट अभी शुरू नहीं किया जा रहा है। अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो कतार का भी देख सकते हैं, कतार का भी इसी तरह है। अभी एक ट्वीट आया ही है जो कि आप यहाँ पे कतार जाने के लिए बहुत सारे आदमी लोग मांग कर रहे हैं, कतार जाना है सर, कब से फ़्लाइट शुरू होगा। तो एयर इंडिया ने कुछ जारी किया है, यहाँ पे देखते हैं कतार ट्रेवल अपडेट, जो कि अगर आप कतार जाना चाहते हैं इंडिया से तो फिलहाल अभी वहाँ भी परमिशन इंडिया से आप नहीं जा सकते फिलहाल, आज तक का डेट में। अब कल क्या हो जाए, कल अगर कुछ और चेंजिंग हो जाए तो मैं आप लोगों को और कुछ अपडेट बताने को, हो सकता है एयर इंडिया का फ्लाइट का लिस्ट कल जारी कर दे या 2-4 दिन के बाद जारी कर दे। तो बने रहे इस वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, जैसे ही फ्लाइट का अपडेट आएगा अगर एयर इंडिया ने जारी किया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।